अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। मैं एक डेयरी फार्म पे हूँ, छोटा सा डेरा कह लो। जो मालिक हैं उनकी, उन्होंने मुझे कहा था कि आइए प्लीज़ बताइए कि हम दूध प्रोडक्शन किस तरह इसकी बढ़ा सकें, क्योंकि फ़िलहाल इनके जो जानवर हैं 20 हैं, 10 कह लो गायें हैं, 10 बैलें हैं। जो गायें हैं वो रोज़ाना 4 किलो दे रही हैं और जो भैंसें हैं वो दे रही हैं अपना 8 किलो। ठीक है, जो मालिक हैं उनकी टांग, ये गिट्टा टूट गया, ही इज़ नॉट एबल टू कम हियर। हम एक तजर्बा करने जा रहे थे मेरे इस जो पाकिस्तान में जो स्टे था उसके दौरान, और हम नहीं कर पाए। सो आपको ये बता रहा हूँ तरीका, प्लीज़ अपने में ज़रूर करिएगा। अच्छा, जो पहली चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, ये जानवर हैं ये 24 आवर्स किले पे बांधे हुए हैं। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाहर के मुल्क डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके में जहाँ पे यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस एक गाय को 26 किलो दिन का पैदा करना चाहिए और ये 3 बार इनसे दूध लेना चाहिए। ये जो मैं आपको 4 किलो बता रहा हूँ, ये पूरा टोटल 24 आवर की पैदावार है। वो लोग 26 किलो निकालते हैं इन गाय से। जो भैंसे हैं उनका 40 किलो होना चाहिए और ये अभी 8-8 इनसे पैदा कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं। पहला मसला, किले पे बांधी हुई हैं, इनको चढ़ना है। ये आप और मुझे क्या कहते हैं जी, नहीं ये पाल रही हैं, ये पाल नहीं रहे। इंसान को आप एक बिठा दो, अपना सोफे पे बिठा दो, कुर्सी पे बिठा दो, नाश्ता भी दो, अपना दिन का दोपहर का खाना भी दो, रात का भी उसको वहीं दो, चाय पानी सब कुछ वहाँ पे उसको दो, तो वो क्या पलेगा, सेहतमंद होगा? वो सेहतमंद नहीं होगा, वो सिर्फ मोटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मोटापे को हम सेहतमंद या पलना नहीं कह सकते। दैट्स नंबर वन मसला। नंबर दूसरा मसला, दूध इज़ पानी, दूध इज़ लिक्विड। पानी यहाँ पे 2 बार दिन में दिया जाता है इनको। हर गाय को 24 आवर एक्सेस होना चाहिए खुला पानी का। यहाँ तो यार 6 फुट नीचे यहाँ पे गड़ा खोदो ना तो पानी आ जाता है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इनको 24 आवर एक्सेस होना चाहिए पानी का, बट दे डू नॉट गिव दैट। सो आप लोग, अगर आपका है इस तरह का सिलसिला, यू नीड टू डू दिस। जो छठा सिलसिला है वो ये है कि यहाँ पे कोई एनालिटिक्स नहीं हो रही, इनको कोई पता नहीं है कि कौन सी गाय कितना दूध दे रही है। ये जो मुझे बताया गया, मुझे बताया कि 24 किलो दिन का होता है 6 गायें, तो मैंने खुद ही बांट लिया जी 4-4 किलो के हिसाब से, 6 दूध देने वाली गायें। तो अब चारे में हर चीज़ दे रहे हैं, पट्ठे दे रहे हैं, कमेर इसको पता नहीं बोलते हैं वो दे रहे हैं, अपना खल जो होती है वो दे रहे हैं, पो दे रहे हैं, टांडे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि किस में फ़ायदा है। खल आती है पता नहीं 1400-1600 की, सबसे जो एक्सपेंसिव ग्रीडियन है। पो शायद आ जाता है जी, क्या कहते हैं 300-350-400 का। पट्ठे आ जाते हैं 450-500 के वगैरह। सो दे हैव नो आइडिया कि कौन सी चीज़ कितना दे रही है दूध। सो जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा था आपको करना है, आप 6-7 अपनी गाय बैल भैंसे ले लो, एक पे दायरा लगाओ, एक पे ट्राइंगल लगाओ, एक पे तारा पेंट कर दो, एक पे चांद पेंट कर दो, वगैरह वगैरह, और एक हफ्ता आप एक एक गाय का हिसाब लिखते जाओ, आज उसने कितना दूध दिया, आज कितना, जो आप सिलसिला जारी है, जो भी आप कर रहे हो, इन्होंने 3-4 खुराकें मिक्स की हुई हैं, बस उसके ऊपर ये चल रहे हैं। तो आप करते जाओ, एक हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाय का एवरेज जो प्रोडक्शन है डेली वो कितना है, वो लिख लिया। अब अगला जो हफ्ता है, एक गाय को आप पो दो, दूसरे को टांडे दो, तीसरी को आप पट्ठे दे दो, चौथी को खल दे दो, पांचवी को कुछ और दे दो, वगैरह वगैरह वगैरह, और आप साथ लिखते जाओ। अब क्या होगा, जब वो हफ्ता गुजर जाएगा आप देखना कि किस जानवर की प्रोडक्शन बढ़ गई है। वो चारना तो बाद की बात है, ये जो चरेंगी 1000 बूटी खाएंगी वो तो इंस्टेंटली 20% आपका जो है ना पैसा बढ़ जाएगा, बुरे हाल में 20% आपका बढ़ जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या बूटी खाएंगी बाहर से, सारे मिक्स होंगी, दूध पैदा होगा, वो तो बाद की बात है। पानी दोगे तो और 20% बढ़ जाएगा, 40% तो ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको ट्रूली डबल करना है तो आपको क्या करना है, वो हरबा इस्तेमाल करना है। आप वो हरबा इस्तेमाल करो, एक हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार खल का वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी उसका 1600 फी मंथ देना फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ऐवी हवा में हम फायरिंग कर रहे हैं, कोई पता नहीं कि शिकार किधर है। जब आप कर लेते हो, अब आपको पता चल गया इससे खाने से दुगना हो जाता है, इससे खाने से इतना बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। जो सबसे काम वाली चीज़ है ना, उसको तो आप कतई साइड पर कर दो, वो तो हमें हमारी काम की नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा दूध पैदा दे रही है आपको करो 50% वो डाल दो, जो दूसरे वाली है आप शायद 25% वो डाल दो, जो बाकी आप 25% रहता है वो जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी वो बीच में डाल दो, ताकि इनकी जो ग़ज़ा है वो फिर भी यानी वैरायटी बड़ी हो, तो फिर जाके आप कमाओगे अपना दुगना दूध। तो ये तजर्बा अपने फार्म पे करो, और जब आपके फ़र्ज़ करो 6 गाय जो भी है भैंसें 8-10 पे वो तजर्बा मुकम्मल हो जाता है, देन रोल इट आउट टू अदर अपनी जो दूसरा माल है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इंशाल्लाह आप ज़्यादा पैसे कमाते हो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, चायवाला.com पे ज़रूर आइएगा, एंड अस्सलाम वालेकुम।